इस वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो से बात करने वाले हैं एक लिविंग मैमल्स के बारे में, जिसको आप ओवी पैरेट्स भी बोल सकते हो या फिर और इसको आप मोनोट्रीन्स बोल सकते हो। मोनोट्रीन्स जो होते हैं मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, मतलब कि ओल्ड मैमल्स होते हैं। तो मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स आर मोनोट्रीन्स। मोनोट्रीन्स क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स ओल्ड मैमल्स होते हैं बिलोंगिंग टू द सब क्लास प्रोथीरिया, जो प्रोथीरिया सब क्लास से बिलोंग करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई टू टाइप्स, स्पाइनी एंड टीटर, स्टैचिग्लॉसस एंड जैग्लॉसस, एंड द बेस ऑर्निथोरिनकस कन्फाइंड टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो ये जो होते हैं मोनोट्रीम्स, इनके टाइप्स हमने क्या बताया, टू टाइप्स है। पहला है स्पाइनी एंड ईटर है, जिसमें टैचिग्लॉसस एंड जैग्लॉसस आते हैं। दूसरा है डगबिल्स, जिसमें ऑर्निथोरहाइनकस आता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही कन्फाइंड होते हैं, उसी में ही सीमित रहते हैं। इससे पहले, इसके बाद हम बात करेंगे टैचिग्लॉसस के बारे में, फिर जैग्लॉसस के बारे में, फिर ऑर्निथोरहाइनकस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैचिग्लॉसस के बारे में, जिसको स्पाइनी एंड ईटर भी बोलते हैं। स्पाइनी इसलिए क्योंकि स्पाइंस पाए जाते हैं इनके बॉडी में। एंड ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंड टर्माइट्स वगैरह को ये खाते हैं। द स्पाइनी एंड ईटर फाउंड थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया एंड टेस्मेनिया, टेस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इट इज़ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होंगे मतलब ज़मीन पे पाए जाएंगे। अब बरो एंड बरोइंग अबाउ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग बरो, ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग बरो को बरो करते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ कोर्स हेयर एंड स्मॉल स्पाइंस एक्सेप्ट ऑन द बेली। बॉडी जो होती है कोर्स हेयर से कवर्ड होती है, कोर्स हेयर मतलब मोटे हेयर से, एंड स्मॉल स्पाइंस, और स्मॉल इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्पाइंस होते हैं, जिसको आप काटा भी बोल सकते हो। एक्सेप्ट ऑन द बेली, बेली को छोड़कर, मतलब बेली में नहीं होंगे स्मॉल स्पाइंस, बेली को छोड़कर बाकी जगहों पर स्मॉल स्पाइंस होंगे। होंगे शॉर्ट लिम्ब, इनके होते हैं कि लिम्ब कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, है ब्रॉड फीट, जिसमें फीट जो होंगे, क्योंकि जो पंजे होते हैं वो ब्रॉड होते हैं ना, चौड़े होते हैं, और लिम्ब कैसे होती है, शॉर्ट होती है। बियरिंग स्ट्रॉन्ग क्लास, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्लास मतलब पंजे होते हैं, फॉर फास्ट क्लिंगिंग, तेज़ी से पकड़ने के लिए। तो इनके जो लिम्ब हैं वो शॉर्ट होंगे, और लेकिन इनका जो क्लॉज है, जो पंजा होता है, वो कैसा स्ट्रांग होता है, ताकि ये फास्ट तेजी से क्लिंग कर सके, चीज़ों को पकड़ सके। द लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म्स ए सिलेंडर बीक विथ टर्मिनल राउंडेड माउथ। इनका जो बीक होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है, ट्यूब लाइक होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, और इनके जो बीक का जो टर्मिनल वाला हिस्सा होता है, मतलब बीक का एकदम आगे जो हिस्सा होता है, वहाँ पे राउंडेड राउंड माउथ पाया जाता है। टंग इज लॉन्ग, इनकी जो टंग होती है वो लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है मतलब चिपचिपी होती है, एंड यूज टू स्वीप इंसेक्ट, और इंसेक्ट को स्वीप करने के, लपेटने के लिए काम आती है। तो स्टिकी होती है, जिसे इंसेक्ट आसानी से लपेट जाते हैं उसमें। टीथ आर एब्सेंट, टीथ नहीं पाया जाएगा। आईज आर स्मॉल विदाउट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, टेल इज एब्सेंट। तो इनके जो आईज होता है वो छोटी होते हैं, और उसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और टेल भी नहीं पाई जाती इनकी। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, इस जो ये मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये वाइट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, और इनर लाइनेड होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये मैमल्स में, रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में पाई जाती है, और एज द इनर आईलिड, इनर आईलिड के तरीके से ये होती है, ये प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, और मॉइस्ट करती है आइस को, आइस को मॉइस्ट रखती है, डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। ये इनर आईलिड के तरीके से होती है, वाइट कलर की ट्रांसलूसेंट होती है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के टाइम पर फीमेल डेवलप्स अ टेम्पररी एब्डोमिनल पाउच इनटू व्हिच शी पुट्स हर सिंगल एग, समटाइम टू टू थ्री। तो जो ब्रीडिंग के टाइम पर, जब ब्रीडिंग का टाइम आता है, ब्रीडिंग सीजन आता है, तो फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें एक एब्डोमिनल पाउच बन जाता है, ये टेम्पररी पाउच होता है। एब्डोमिनल पाउच मतलब थैले जैसा पाउच होता है ना, थैले जैसा होता है, जिसमें वो अपने अंडे को रखती हैं। कभी कभी ये अंडे एक हो सकते हैं, कभी दो तीन भी ये हो सकते हैं। द एग शेल इज लेदरी, एग शेल कैसा होता है, लेदरी होता है, लेदर की तरीके से होता है। द यंग हैच इनटू इमेच्योर कंडीशन, यंग जो एग से जो बच्चा निकलता है वो इमेच्योर होता है, और इमेच्योर कंडीशन होता है मतलब वो मेच्योर नहीं होता है। इट इज़ नॉरिश्ड ऑन मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीट्स। तो फीमेल्स जो होती हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, तो जब एक निकल एक से जब बच्चा निकलता है तो इमेच्योर होता है, बाद में वो अपने मदर का, फीमेल का मिल्क को पीता है, जिससे वो मेच्योर होता है, नॉरिश होता है।
तो जो इनका ये मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें टीट्स नहीं पाए जाते हैं, टीट्स मतलब निप्पल नहीं पाया जाता है। मेल आल्सो पसेसेस मेमोरी ग्लैंड, मेल्स में भी इसके बाद बात करेंगे हम ज़ेब्लॉसिस के बारे में। प्रो इकिडना इज सोली कन्फाइंड टू नीगुनिया, तो ये नीगुनिया में ही कन्फाइंड होते हैं, मतलब कि नीगुनिया तक ही ये सीमित रहते हैं ज़ेब्लॉसिस। इट डिफर्स फ्रॉम द टैचिक्लोसिस इन सेवरल वेज, ये टैचिक्लोसिस से बहुत सारे तरीकों से अलग होते हैं। साइज में लार्ज होते हैं टैचिक्लोसिस से। इट हैज शॉर्ट स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी, इनके पूरी बॉडी में जो स्पाइंस होते हैं शॉर्ट होते हैं। हेड इज लार्जर, हेड लार्ज होगा उसके मुकाबले। एंड बीक ट्वाइस एज लॉन्ग एज द हेड, बीक जो होती हेड से दुगनी लंबी होती है। इज स्टैंड अप ऑन इट्स कंपेरेटिव लॉन्गर लेग्स रैदर दैन शफलिंग अबाउट ऑन इट्स बेली लाइक टैचिक्लोसिस, ये अपने लेग्स पर स्टैंड हो सकते हैं बट ये अपनी बेली पर शफल नहीं कर सकते हैं टैचिक्लोसिस के तरीके से। शफल मतलब टैचिक्लोसिस जो होते हैं वो घसीट के चलते हैं, तो ये टैचिक्लोसिस के तरीके से अपने बेली के सहारे से ये शफल नहीं करते हैं, घसीटते हुए नहीं चलते हैं, बल्कि ये अपने फीट पर अपने लॉन्ग लेग्स पर ये अपने लॉन्गर लेग्स पर ये स्टैंड हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्निथोरहैंकस या डगबिल के बारे में। ऑर्निथोरहैंकस एनाटिनस इज फाउंड इन द रिवर्स इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। जो ऑर्निथोरहैंकस होता है ये रिवर्स में पाए जाते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के। अबाउट 50 to 60 centimeter लॉन्ग एंड वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन वाटर, ये 50 to 60 centimeter लॉन्ग होंगे और मतलब कि वाटर में रहने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो वेल अडेप्ट होती है। इट हैज़ थिक कवरिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर प्रूफ फर एंड ए फ्लैटन टेल, तो इनकी जो बॉडी की जो कवरिंग होती है इस पर सॉफ्ट वाटर प्रूफ फर होते हैं, रोएं होते हैं और फ्लैटन टेल होती है, चपटे इसकी टेल होती है, पूंछ होती है चपटी होती है। आईज आर स्मॉल बीड लाइक विथ निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, देयर आर नो एक्सटर्नल ईयर्स, आईज कैसी होंगी छोटी होंगी बीड के तरीके से होंगी मतलब बटन के तरीके से होंगी और निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है इसमें पाई जाती है। देयर आर एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल ईयर्स, इसमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं पाए जाते हैं। वेप्ड 5 to 8 feet विथ नो हेयर ईच हैंडलिंग ऑफ मेल कैरीज अ शार्प स्टार्ट मोबाइल हॉलो टासल स्पोर, तो इनके जो टो होते हैं इनके जो फीट होते हैं पंजी होते हैं उससे उसमें 5 toe होते हैं ठीक है और वेब के तरीके से होते हैं, वेब लाइक होते हैं मतलब कि इस तरीके से इनका फीट होगा तो 5 toe उसमें होंगे 5 toe होंगे वेब लाइक इस तरीके से वो होते हैं वेब की तरीके से इनका और उसमें हेयर्स नहीं पाए जाते। इज हैंडलिंग ऑफ मेल कैरीज अ शार्प स्टार्ट मोबाइल हॉलो टार्सस पर, इनकी हैंडलिंग में मेल्स के जो हैंडलिंग होती है हिंडलेग होता है हैंडलेग भी बोल सकते हो आप, उसमें शार्प मतलब तेज स्टाउट मतलब मजबूत मूवेबल मूव करने वाले हॉलो टार्सस स्पर पाए जाते हैं, खोखले टार्सस स्पर पाए जाते हैं। टार्सस स्पर मतलब कि आप बोन समझ सकते हो। ऑन इट्स हील कनेक्टेड विद ए पॉइजन ग्लैंड, इसके जो हील होती है एड़ी उस पर से पॉइजन ग्लैंड कनेक्टेड होती हैं जुड़ी हुई होती हैं। दिस स्पर्स टार्सस स्पर के बारे में बात कर रहे हैं मार्क सेक्सुअल डिमॉर्फिस। जो टार्सस स्पर हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि मेल्स के हाइंड लेग पर स्टाउट मूवेबल हॉलो टार्सस स्पर पाया जाता है ना, तो मेल्स में पाया जाता है तो ये टार्सल स्पर से हम सेक्सुअल डिमॉर्फिस कर सकते हैं, मेल फीमेल का पता लगा सकते हैं। फीमेल बरोज इन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड कंस्ट्रक्ट ए नेस्ट ऑफ ग्रास एट द एंड ऑफ द रिवर, जो फीमेल्स होती हैं वो जो रिवर का किनारा होता है वहाँ पे नेस्ट कंस्ट्रक्ट करती हैं ग्रास के जरिए से। एट द एंड ऑफ द रिवर एंड कंस्ट्रक्ट ए नेस्ट ऑफ ग्रास, ग्रास से ये रिवर किनारे पर क्या बनाती है नेस्ट बनाती हैं। यूजली 2 eggs आर लेड एट अ टाइम, कभी कभी यूजली ये 2 eggs मतलब कि देती हैं एक समय पर आमतौर पर नॉर्मली। द फीमेल कर्स अराउंड देम फॉर इंक्यूबेशन एंड रिमेंस इनएक्टिव अबाउट 2 weeks, जो फीमेल्स होती हैं वो अपने एक के चारों तरफ कल मतलब कि घूम के बैठ जाती हैं, कल करती घूम जाती घूम के बैठ जाती हैं लगभग 2 हफ्ते तक और 2 हफ्ते तक ही इनएक्टिव रहती हैं।
न्यूली हैच यंग आर एक्सट्रीमली मेच्योर नेकेड ब्लाइंड एंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो न्यूली हैच यंग होता है यंग वंस वो इमेच्योर होगा, नेकेड होगा, ब्लाइंड अंधा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, ये लंबा होता है। फीमेल होल्ड्स द यंग टू द एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ हर टेल। फीमेल जो होती है अपने टेल के जरिए से, इनका टेल कैसा होता है, फ्लैटन होता है, चपटा टेल होता है, इसके जरिए से अपने एब्डोमेन में यंग को पकड़े रहती, होल्ड की रहती, पकड़े रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, इनके एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात की थी, ऑर्निथोरैंकस के बारे में, डगबिल के बारे में। तो ये मेरी वीडियो थी मैमस पर, मोनोट्रीम्स पर। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।